एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ Tech, myself उमर तस्कीर। गाइस एनालिटिक्स हम लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल की हमें कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनकी हमें एनालिसिस करनी चाहिए और उनसे क्या हम कॉन्क्लूशंस निकाल के फिर अपने चैनल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी प्लेलिस्ट। अगर हम अपने वीडियोस को प्लेलिस्ट के फॉर्म में अपलोड करते हैं, अगर हम अपने कंटेंट को प्लेलिस्ट के फॉर्म में अपलोड करते हैं, तो ये ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम अपनी प्लेलिस्ट की भी एनालिसिस करें और समझें कि हमारी प्लेलिस्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो हम प्लेलिस्ट की भी एनालिटिक्स देख सकते हैं, अलग अलग मैट्रिसेस के बेसिस पर हम ये देख सकते हैं कि हमारी प्लेलिस्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। किस तरीके से हमें करना है, हमें यहाँ पर आप देख रहे हो एनालिटिक्स में सीधे हमें पहुंचना है सी मोर पे, ठीक है, इस वाले सेक्शन पे, और यहाँ से हम लोग प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो ट्रैफिक सोर्स, ज्योग्राफी, व्यूअर एज, व्यूअर जेंडर, डेट, रेवेन्यू सोर्स, सब्सक्रिप्शन स्टेटस, सब्सक्रिप्शन सोर्स, एंड वेन विल कम टू दिस मोर वाला पार्ट, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, हियर इट इज, राइट। तो जैसे ही हम प्लेलिस्ट सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ नीचे आपको प्लेलिस्ट जो भी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है वो दिख जाएंगी और उनकी परफॉर्मेंस। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी हमारी प्लेलिस्ट है, राइट, ये सारी प्लेलिस्ट है हमारी जो आपको दिख रही होंगी, ठीक है, बहुत सारी प्लेलिस्ट है हमारी। और अगर हम देखें जैसे यहाँ पर अगर लास्ट 28 डेज में अगर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो ये गूगल एड्स की जो हमारी प्लेलिस्ट है, गूगल एड्स का जो हमारा ये वाला कोर्स फ्री में जो अवेलेबल है, इसके व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, इसका जो एक वीडियो की एवरेज ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और प्लेलिस्ट के फॉर्म में अगर हम देखें वीडियोज़ की जो एवरेज ड्यूरेशन है वो आपको 4:11 दिख रही है यहाँ पर, यानी कि 4:11 की है। वॉच टाइम भी अगर देखा जाए, हाँ डेफिनेटली एक चीज़ और भी है जो आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है कि इसके अंदर वीडियोस ज़्यादा हैं। तो जैसे 60 वीडियोस की ये सीरीज़ है और वर्डप्रेस भी लगभग 60 वीडियो की सीरीज़ है, तो आपको इसको भी एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम SEO कोर्स की बात करें तो SEO कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर उतने वीडियोस नहीं हैं, 30-35 वीडियो के आसपास हैं, बट डेफिनेटली इन दोनों प्लेलिस्ट में जो गूगल एड्स की है, वर्डप्रेस की है, इनमें वीडियोज़ भी ज़्यादा हैं, तो वॉच टाइम जो है इनका ज़्यादा होगा, राइट। तो वॉच टाइम हमेशा इनका ज़्यादा होगा, तो आप देख रहे हो वो वॉच टाइम इनका ज़्यादा है और यहाँ वर्डप्रेस का SEO कोर्स से थोड़ा सा कम है, ठीक है, ज़्यादा इसके होने की वजह से भी, बट ये आपको बहुत एक आइडिया देती है। अब किस तरीके का आइडिया, देखो अगर हमने ये जज भी कर लिया कि हमारी कोई जो एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि हम उस प्लेलिस्ट में और ज़्यादा वीडियोस डालें। हमारी अगर कोई प्लेलिस्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर हमारी कोई प्लेलिस्ट रैंक हो रही है जिसकी वजह से उसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, जिसकी वजह से उसके वीडियोस को पसंद भी किया जा रहा है, देन एज क्रिएटर, एज यूट्यूब चैनल क्रिएटर और यूट्यूब चैनल ओनर, आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के में और ज़्यादा वीडियोज़ को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप चार मेन मैट्रिसेस देख रहे हो, ठीक है, प्लेलिस्ट स्टार्ट के नंबर्स हैं यहाँ पर, परसेंटेज है, देन व्यूज़ के, ठीक है, एंड देन एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है, वॉच टाइम है वो दिया हुआ है आपको, और जो कुछ और मैट्रिसेस है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ओवरव्यू, रीच, प्रीमियम, रेवेन्यू, इंटरैक्शंस, प्लेलिस्ट कार्ड्स एंड स्क्रीन्स है ना, तो प्लेलिस्ट में हम लोग जैसे यहाँ पर दो एवरेज टाइम इन प्लेलिस्ट और व्यूज़ इन प्लेलिस्ट करके ना, एवरेज टाइम इन प्लेलिस्ट, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई यूज़र आता है और वो आपकी प्लेलिस्ट को स्टार्ट करता है, ठीक है, प्लेलिस्ट को स्टार्ट करता है, उसके बाद वो प्लेलिस्ट को कितनी देर तक देखता है एवरेज, तो आप देखोगे ये वाला जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आप टाइम लगभग 15 मिनट के आसपास, तो ये ज़्यादातर देखी जा रही थी। गूगल एनालिटिक्स की भी प्लेलिस्ट को ज़्यादा टाइम तक देखा गया, ठीक है, एवरेज टाइम की अगर बात करें प्लेलिस्ट के अंदर जो एक यूज़र बिताता है वो कितना है, तो एवरेज टाइम इसका ज़्यादा है, ठीक है। और कम वाले भी एक बार एनालिसिस हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का है ये, तो इस पर कम है थोड़ा सा, देन लेट्स कम डाउन, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की है, 1 मिनट का है, और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक्चुअली आपको 1-1 मिनट के, 2-2 मिनट के ही वीडियो मिलेंगे, तो डेफिनेटली इसका कम ही होगा, राइट। तो ये आप एनालिसिस कर सकते हो, सी का, सी के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो आपको दिखेंगे, ठीक है, C++ का है, इसका भी जो आप एवरेज टाइम इन प्लेस देखेंगे वो कम है, राइट। एक और मैट्रिक थी, एक और मैट्रिक हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर आप प्लेलिस्ट के फॉर्म में अपने वीडियोस को अपलोड करते हो तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप उसकी भी एनालिसिस करो कि प्लेलिस्ट में आपके वीडियोस किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कोई प्लेलिस्ट आपकी ठीक परफॉर्म कर रही है तो डेफिनेटली आप उसमें और ज़्यादा वीडियोज़ डाल सकते हैं ताकि वो प्लेलिस्ट और अच्छी तरीके से बूस्ट हो आपके लिए। सो यहाँ पर व्यूज़ पर
प्लेलिस्ट स्टार्ट, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अब ये क्या है, ये बता रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्लेलिस्ट स्टार्ट होती है, ठीक है। कोई यूजर आता है, प्लेलिस्ट स्टार्ट करता है, और प्लेलिस्ट स्टार्ट करने के बाद वो 2 वीडियो देखता है, 3 वीडियो देखता है, 3.5 वीडियो देखता है, कभी कोई यूजर 4 देखता है, कभी कोई 4.5 देखता है, कभी कोई 5 देखता है, ठीक है। कुछ टाइम टाइम के हिसाब से हम मान लेते हैं ना, टाइम के हिसाब से, तो कोई ज्यादा देखता है, कोई कम देखता है, तो उन सबका एवरेज बनेगा एक। तो आप देखोगे तो यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो तो गूगल एड्स की जो प्लेलिस्ट है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी कि अगर एक यूजर उस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करता है तो वो ज्यादा व्यूज करता है, ठीक है। मतलब आगे दूसरे वीडियोस में ज्यादा व्यूज वो करता है उस प्लेलिस्ट में, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली प्लेलिस्ट हमारे लिए ठीक है। एंड वर्डप्रेस को देखा जाए तो वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट भी हमारे लिए अच्छा परफॉर्म कर रही है, एसईओ कोर्स की भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो एनीथिंग अबव 2.5, बिकॉज फॉर अस व्हाट आई बिलीव इज 3.1 इज मैक्सिमम, यहाँ तक हमें दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.1 जो है वो हमारे लिए मैक्सिमम है। इन केस अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो एनीथिंग विद समवेयर अराउंड 2.5 और मोर देन 2.5 इज ग्रेट फॉर अस, राइट, व्यूज पर प्लेलिस्ट स्टार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो ये कुछ मैट्रिसेस हैं, और भी मैट्रिसेस आप देख सकते हो उनको, कि वो मैट्रिसेस अगर आपकी जो प्लेलिस्ट की स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से फिट बैठ रही है तो उन मैट्रिसेस के ऊपर भी आप नजर डाल सकते हो। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।